एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कोई नई जगह जो है कुतुब मीनार। एक दिल्ली में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, उनमें से एक है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। हाँ, तो यहाँ आने के लिए अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आएंगे तो पीछे पार्किंग है, गाड़ी और बाइक दोनों पार्क हो जाएगी आपकी। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है साकेत का। साकेत मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे येलो लाइन पे, तो आप ई रिक्शा वगैरह पकड़ के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलो जी, आप लेके चलते हैं अंदर। टिकट वगैरह का प्राइस क्या बताते हैं और अंदर कैसा लग रहा है वो सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पे एंट्री टिकट है 40 रुपये पर हेड। ATM से पे करोगे तो 35 रुपये। क्लोक रूम भी है पीछे, वहाँ आप अपने पास बड़ा बैग है तो जमा करा सकते हो। फॉरनर के लिए 400 रुपये है और 15 साल से छोटा बच्चा तो फ्री है एंट्री। तो सामने ही चलते हैं। अब टिकट ले ली है 40 रुपये की। टोकन वो है एंट्री। चलो जी चलते हैं अंदर की साइड। यहाँ से एंट्री है, इसमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। आप ट्राईपोड स्टैंड नहीं लेके आ सकते अंदर, चश्मा, गन, छोटे बच्चों के टॉय कुछ नहीं लेके जा सकते। और यहाँ से लो जी एंट्री करते और फर्स्ट लुक देखो, ये कुतुब मीनार और आसपास का बहुत ही ग्रीन एरिया। देखो ये इलाही मीनार इधर, टोम्बो इल्तुतमिश और कुतुब मीनार इधर है। चलो चलते हैं। पहले गाइड चाहिए तो स्कैन करो और आप गाइडेड टूर। हाँ, इसको स्कैन करो सुने साथ। तो चलो चलो इस साइड चलते हैं। अब ये 800 साल पुराना मोन्यूमेंट है, लगभग 1200 ईस्वी में बना था। आज 2000 हो गया तो 800 साल से ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा हुआ है। आप जब भी कुतुब मीनार की फोटो देखो कहीं पे भी, तो ये फोटो आपको मिलती है हमेशा। ये कुतुब मीनार, ये दो बिल्डिंग है, तो ये अलाई दरवाजा है, ये एक कबर है। ये कबर है इमाम जामीन की, कबर इमाम जामीन की ये कबर है। ये अलाई दरवाजा है और ये कुतुब मीनार है, फ्रेम में भी मीनार है। तो आप जब भी फोटो देखो कुतुब मीनार की, तो ये वाला पोज आपको दिखता है। ये कुतुब मीनार, ये इमाम जामीन की टॉम्ब है, कबर, और ये अलाई दरवाजा। ये बोलते हैं अलाई दरवाजा एशिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। तो लोग इसको भी दिखाते हैं आपको अंदर से। ये जो पहले होता ना राजा के सामने सर झुका के आना है, तो उसी सामने छोटा दरवाजा बनाते हैं। देखो कितना छोटा दरवाजा है, जो भी आएगा सर झुका के आएगा। देखो और ये हम पहुंच गए इस प्रीमाइसिस में। ये जो अलाई जामिनी की टॉम्ब, तो थोड़ा अंदर से देखते हैं। ये मुगल टाइम का या मुगल से पुराना आर्किटेक्चर है, 1200 ईस्वी में बनी हुई है ये। इसमें चलते हैं। ये है कि कबर, थोड़ा अंधेरा हो गया। ये रेड स्टोन का आर्किटेक्चर, ऊपर अलाई दरवाजा चारों तरफ से खुला है। इसके पास चलते हैं। अब ये सफेद रेड मार्बल से बना हुआ, बढ़िया काम करा हुआ यहाँ का है। चारों तरफ से खुला हुआ दरवाजा, ये लगता है कि काम हुआ है, मॉन्यूमेंट है। चलो जब उस साइड चलते हैं। साइड है कुतुब मीनार मेन, जिसके लिए हम आए हैं।
ये देखो जी आसपास का एरिया कुतुब मीनार का, ये अपने जमाने में तो बहुत सुंदर होती होगी, अब तो टूट फूट गई, इसको फिर भी रिस्ट्रक्चर रिनोवेट करते रहती है ये अपनी भारत सरकार। वहाँ पे अलाई मीनार है, जैसे कुतुब मीनार है वैसे ही एक अलाई मीनार भी बनानी स्टार्ट की थी शायद इनके बेटे ने, इससे भी बड़ी बनाने के उसका टारगेट था लेकिन वो रास्ते में रहेगी, इसको बोलते हैं अलाई मीनार है। ये वाली इनकम्प्लीट है, एक ही मंजिल है भी नहीं बनी होगी। अभी हम आपको लेके चलते हैं सामने जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये एक मोस्क थी उस टाइम में, क्वात उल इस्लाम मोस्क, और जो ये पिलर्स आप सामने देख रहे हैं ये हिंदू टेंपल्स को तोड़ के उन पिलर्स को यहाँ पे लाके डेकोरेट किया गया था, और ये कॉम्प्लेक्स एक मोस्क होती थी उस टाइम में। और सामने कुतुब मीनार जो एक 5 मंजिल की बिल्डिंग है, एक विक्ट्री ऑफ टावर ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है इसे। ये जो आयरन पिलर, इसकी हिस्ट्री पढ़ लो, आयरन पिलर है ये लगभग गुप्ता जो एम्पायर था उस टाइम का है, और पिछले गुप्ता एम्पायर था सन 400 में, मतलब कि आज से 1600 साल पहले, तो 1600 साल से ये पिलर खड़ा हुआ है लोहे का, और इस पर आज तक जंग नहीं लगा ये 1600 साल से। ये देखो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में पीछे आयरन पिलर, ये उस टाइम भी हमारे भारत में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि ऐसा आयरन बना दिया कि पिछले 1600 साल से इसमें जंग नहीं लगाए। ये देखो जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी लाइटिंग हो जाएगी पूरे कॉम्प्लेक्स में, कितना सुंदर व्यू आएगा। ये देखो कुतुब मीनार का भी, कुतुब मीनार का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू किया था, और 1193 तक इसकी बेसमेंट बनी थी। इसकी पहली 3 मंजिल दिल्ली के अगले शासक इल्तुमिश ने बनवाई थी, और आखिरी की 2 मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इस कुतुब मीनार की हाइट 73 मीटर है, और जो ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ये उस टाइम एक मोस्क होती थी। बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स, रियो पिलर, आयरन पिलर गुप्ता के टाइम का, गुप्ता मतलब 1600 साल से पहले का पिलर। वाह, और आसपास भी बहुत अच्छा एरिया है, आपका एक दिन आराम से आप स्पेंड कर सकते हो इसमें आके। उधर साइड करते देखो, ये पीछे कॉम्प्लेक्स है, उधर भी कुछ टॉम्स वगैरह है, कुछ वो टूट गया जो स्ट्रक्चर्स थे पहले, और वो पिलर्स के गैलरी टाइप है, वो भी टॉम्ब है, वो अलाई दरवाजा और अलाई जो मोस्क थी, और ये वाओ सोने की 5 मंजिल है इसमें। देखो 1, 2, 3, 4, 5 बताते हैं इसके ऊपर, एक ऊपर टोपी भी थी लेकिन वो 1805 में भूकंप आया था उसमें टूट गई थी। ये देखो एक चीज़ और मैंने नोटिस की, ये 5 मंजिल का तो है, इसमें देखो सबसे नीचे एक दरवाज़ा ये है, ये वाला एक दरवाज़ा है, इसका मुँह है इस साइड लेफ्ट साइड यहाँ से, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे देखो वो एक मंजिल, उसी मंजिल पे दूसरा दरवाज़ा वो आ गया, फिर ऊपर गए फिर वो दरवाज़ा आ गया, और उसके बाद ऊपर वो दरवाज़ा और 5वीं मंजिल तक उनका मुँह इस साइड है, मतलब ये इस लाइन के जो 4 दरवाजे ऊपर 4 का मुँह इस साइड है मेरी फ्रंट में, और इसका लेफ्ट इधर लेफ्ट साइड में है इसका। तो यहाँ पे उस टाइम में जो हाजी वो क्या होंगे जो इनके मौलवी वगैरह होते हैं, तो उनके मौलवी जी वो देते होंगे अजान वगैरह दरवाजों से या कुछ मैसेज वगैरह। ये देखो कितना सुंदर है यार, बहुत सुंदर है कॉम्प्लेक्स, तो बार बार मैं जितनी बार दिखाऊंगा उतना कम है। तो फ्रेंड्स अब करते हैं इस ब्लॉग को क्लोज, पीछे है बहुत ही सुंदर कुतुब मीनार, ये मैरोली में है, टाइमिंग है 9 बजे तक। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें जितना कवर कर सके हम कवर किया। आप दिन में आए, एक दिन आप बहुत अच्छा पिकनिक मना सकते हो अपनी फैमिली के साथ, लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा अंदर, आपको अपने साथ लेके आना पड़ेगा, और ट्राईपोड मत लेके आना, ट्राईपोड स्टैंड, फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, ट्राईपोड स्टैंड अलाउड नहीं है, वो बात है। ट्राईपोड स्टैंड, स्पेक्स, बच्चों के गन, कोई टॉय अलाउड नहीं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और मिलते हैं किसी वीडियो और वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आपको छोड़ के साथ इन ब्यूटीफुल यूज के साथ एंडिंग करते हैं। बाय बाय।